पूजा कार्य में हम बैठते हैं तो हमारे लिए नियम संयम है, लेकिन पूजा कार्य में जो नियम संयम है क्या वे समस्त जीवन में अनिवार्य नहीं है? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस बात की चर्चा हुई है कि जब जब पूजा कार्य में बैठें तो सांसारिक माया से बचे रहे, लेकिन जैसे ही कथा सत्संग से, पुराणों से, पूजा पाठ से हम हटें तो पुनः सांसारिक माया ने घेरा। आखिर इसका निदान क्या हो? सोनकादिक ऋषियों की यहाँ पर चिंता का विषय है कि उनकी आयु तो बड़ी लंबी है, वे तो तपस्या भी कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में कलिकाल में उम्र जब घटती जाएगी तब इतना समय नहीं होगा, तो क्या किया जाए जो कम से कम अवधि में व्यक्ति को परमार्थ की प्राप्ति हो सके, उस विधाता की भक्ति की प्राप्ति हो सके। सभी ने सोनक जी से कहा तो सोनक जी ने सबके साथ मिलकर सूत जी महाराज का आवाहन किया और सूत जी महाराज वहाँ पर पधारे हैं। एक सुंदर सिंहासन स्थान श्री महाराज को दिया है। नैमी से सुतमासीन मविवाद महामतिम, सूत जी महाराज विराजमान हुए। सभी ने सूत जी महाराज से आग्रह किया कि अज्ञान ज्ञान विध्वंस, हे प्रभु आप हमें ऐसा ज्ञान कहिए जो अज्ञान का विध्वंस करने वाला हो, ऐसा ज्ञान आप हमें कहें जो माया मोहों से छुटकारा दिलाने वाला हो। स्वाक्षाही मम कर्णम रसायनम, साथ में जो हमें संसार की विलासिता से बचा सके, संसार की तेर मेर चुगली निंदा स्तुति इन सब से बचाकर उस परम पिता ईश्वर के श्री चरणों में लगा सके। कि भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथा। गुरुवर आप ऐसा ज्ञान हमें कहें जो माया मोह निराशश्च वैष्णव, अर्थात इन सब चीजों से छुटकारा करके हमें परम वैष्णव साधु संतों के बाद भी परम ज्ञानी बना सके, अज्ञान का विध्वंस करके ज्ञान, ऐसा ज्ञान आप हमें जो हमारे कुबुद्धि को शांत करके सद्बुद्धि को प्रेरणा दे सके, प्रेरित हो सके, ऐसा ज्ञान आप हमें। सुटाक्षाही मम कर्णम रसायनम, अर्थात कोई लंबी चौड़ी कथा लेकर मत बैठना, क्योंकि हम तो जानते हैं आप ज्ञानवान हैं, आप तो एक नहीं सारे पुराणों के वक्ता हैं, एक पाद हो तो कहें 18 पुराणों पर बोलने वाले आप, तो महाराज एक एक करके भी कहोगे तो बड़ा समय लगेगा, इसलिए हमें एक एक पुराण विस्तार पूर्वक नहीं। सुटाक्षाही कथा सार मम कर्णम रसायन, सब कथाओं का सार, सब ग्रंथन का सार आप हमें कहें, सब कथाओं का सार, सब ग्रंथन का सार आप हमें कहें। और हे गुरुदेव, वो सार जिसे हम सब तो सुने ही, लेकिन हमारा आग्रह है लोकहित के लिए कि आने वाले समय में जिनका पास समय ना हो वे भी इस सार को सुनकर अपना कल्याण कर सके। सूत जी ने कहा कि आप सबको देखते हुए तो एक प्रतीत होता है जैसे कोई चिंता हो, तो मेरे पास चिंता मणि है, मैं आपको चिंता मणि दे देता हूं। कि चिंता मणि लोक सुखम सुरदुर सर्वार्थ संपदम, सब सुखों से संपन्न कर देगी, और छोड़ो किसी और झमेले में क्यों पड़ते हैं, चिंता मणि ले लो और सबकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। सभी ने कहा गुरुदेव किस किस को बांटोगे चिंता मणि, आज तो 88,000 ऋषि हैं हम यहाँ पर सुनने वाले, लेकिन कलयुग में तो प्रभु 1-2 नहीं 150 करोड़ हो जाएंगे।
मेरे 150 करोड़ देशवासियों, तो उसमें मनी कहां कहां किस किस को बांटेंगे। इसलिए हमें मनी का लालच नहीं है, मनी नहीं चाहिए, चिंता मनी नहीं चाहिए। फिर महाराज बोले कि हमें तो आप वो परम ज्ञान प्रदान कीजिए जो कभी घटता नहीं है, अभी तो जितना बांटो उतना बढ़ता है, परम वैष्णव जो बना देता है, ऐसा आप ज्ञान हमें कहें। कि माया माया सब भजे और माधव भजो न को, जो मुख से माधव भजे सो माया चेरी हो। सुख जी महाराज कहते हैं कि आप सब जिस सांसारिक माया से त्रासद होकर के जिस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो, उसका मुख्य सूत्र ये है, हे 88,000 ऋषि मुनियों, कि आप हम सभी केवल एक निश्चित समय के लिए धर्म कर्म करते हैं, बाकी समय के लिए फिर माया का भजन करने लगते हैं। कि माया माया सब भजे माधव भजो न को। हमारे जीवन में सांसारिक कामों के लिए समय अनलिमिटेड है, मनोरंजन के लिए समय अनलिमिटेड, लेकिन पूजा के लिए समय सुनिश्चित है। बोले कि सुबह ही पूजा हो जाए, उसके बाद दोपहर में करोगे तो क्या भगवान श्राप दे देंगे। हर चीज शुभ काम के लिए हमने समय निर्धारित किया, लेकिन भगवान का भजन हर समय होना चाहिए। किसी ने कहा महाराज आप कहते हो हर समय, फिर ये माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे, ये परिवार के रिश्तों का वहन भी तो करना है, रोजगार काम भी तो करना होगा, एक गृहस्थी में रहने वाली वो महिला उसे भी तो अपने घर के कार्य को संपन्न करना होगा। सूत जी महाराज ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम घर छोड़ करके जंगल जाओ? क्या शिव भगवान गृहस्थी में नहीं है? नारायण गृहस्थी नहीं है? क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान राम गृहस्थी नहीं है? बोले कि संसार का काम करो, संसार से मिले हुए इस देह से इस शरीर से, लेकिन परमात्मा का भजन करो, उससे जुड़ने वाली आत्मा से इस मन से। प्रभु दो काम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बोले कि आप गृह कार्य कर रहे हैं, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, हाथों से इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन मन उस समय खाली है, मस्तिष्क खाली है, तो उस समय मेरे प्रिय बंधुवरो प्रभु का चिंतन हो, भजन हो, कीर्तन हो। माताएं रसोई में भोजन बना रही हैं, परोस रही हैं, तो हाथ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मन खाली है, जिव्या खाली है, तो हरि कीर्तन हो, भजन हो, प्रभु का गुणगान हो,